नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ही देखिएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह इसका शोल्डर और आर्म होल हमने कट कर लिया है, कपड़े और अस्तर दोनों पर कट कर लिया है। अब इसके गले की कटिंग करना है। देखिए, जो ब्लाउज है वो 36 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज है और इसकी तैयार लंबाई 13.5 इंच है। उस हिसाब से 1 इंच हमने इसकी लंबाई ज़्यादा लिया है। और शोल्डर इसका हमने 7 इंच 2 पॉइंट लिया है, आर्म होल 7 इंच लिया है और 1 इंच पर इसकी गोलाई की है। ये बोट में गले पर ये डिजाइन है, तो गले की चौड़ाई 4.5 इंच, 2.5 इंच तो नीचे की तरफ देखिए 2.5 इंच बचाते हुए इस तरह गले का शेप दे देना है। तो इस तरह देखिए गले का शेप दे देना है। अब देखिए, जहाँ से निशान बनाया हुआ जैसे गले का शेप दिया है वहीं से सिलाइयाँ लगानी है। तो देखिए, यहाँ से हमने 1 इंच 2 पॉइंट इसकी चौड़ाई ली है और नीचे से 2.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से गले का शेप दिया है। इस तरह देखिए सिलाइयाँ लगा दीजिए। देखिए इस तरह से कट कर देना है और कट करने के बाद पूरे पूरे गले पर कट लगा देना है। इस तरह देखिए कट लगा दिया है। अब देखिए इस तरह से इसको पलट देना है। पलटने के बाद अच्छे से बनाते हुए गले पर सिलाई लगा देना है। तो इस तरह देखिए सिलाइयां लगा दी हैं। तरह सीधी पट्टी कट करके लेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और इसकी लंबाई 6 इंच ली है। अब देखिए इस तरह पट्टी पर सिलाई लगा देना है। इसको पलट लेना है सिलाई लगाने के बाद। इस तरह देखिए इसको पलट लेना है और इस तरह से इसको बना लेना है। तो देखिए सीधा ही पट्टी कट करके लेंगे। इस तरह इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है और इस तरह पट्टी को मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है, दोनों साइड से मोड़ते हुए। तो इस तरह देखिए पट्टी तैयार हो गई है। अब इसे 1.5 इंच की कट कर लेना है। अब देखिए इस तरह से पट्टियों को लगा देना है। आधा आधा इंच का गैप देते हुए इसे लगाना है। साइड में देखिए 4 पट्टियां लगानी है, तो आधा आधा इंच का गैप देते हुए इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद देखिए जो ये पट्टी ली है इसको लगा देना है। तो इस तरह देखिए एक साइड से लगा दिया है, अब दूसरी साइड लगाना है। तो यहाँ पर देखिए जितना गैप दिया है उसी हिसाब से इसको पहले अच्छे से मिलाते हुए सेट कर लेना है, उसके बाद ही इस पर सिलाई लगाना है। इस तरह देखिए इसको अच्छे से मिलाते हुए सेट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर अगर इसकी चौड़ाई जितनी ली है उसी हिसाब से इसको सेट करना है।
ज़्यादा फैलाते हुए अगर इस डिज़ाइन को सेट कर देंगे तो इसकी यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह इस डिज़ाइन को अच्छे से मिलाते हुए ही सेट करना है। तो अब देखिए गोल्डन लेस लेना है और पूरे गले पर लगा देंगे। तो इस तरह देखिए लेस को लगा दिया है। अब देखिए इस तरह से डोरी लेना है, इस तरह से देखिए डिजाइनों में डाल देना है दोनों साइड से। तो इस तरह देखिए डोरी को डिजाइनों में डाल देना है। अब देखिए यहाँ पर डोरी पर इस तरह से गांठ लगा देना है, इसको बांध देना है। तो पहले इसको अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे, उसके बाद इस पर इस तरह से इसको बांध देंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से बनाते हुए हाथ से सिलाई लगाते हुए डोरी को यहाँ पर सेट कर देना है। तो इस तरह देखिए डोरी को यहाँ पर सेट कर दिया है। अब देखिए डोरी पर दोनों साइड में इसको बराबर से कट करना है। तो इस तरह से देखिए कपड़ा लेंगे और इस पर कपड़े की छोटी सी लटकन लगा देंगे। इस तरह से दूसरे पर भी लगा देना है। इस तरह देखिए दोनों पर छोटी सी कपड़े की लटकन लगा दी है कि इस तरह से इसको यहाँ पर बनाते हुए से सिलाई लगा देना है हाथ से, ताकि ये डोरी अपनी जगह पर सेट रहे। तो इस तरह इसको अच्छे से बना देना है। तो देखिए हमने अच्छे से बना दिया है, तो डिजाइन बन गया है। तो अगर डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।